नमस्कार, मैं दिवांजलि मोइत्रा। धराशायी अर्थव्यवस्था, कटोरा लेकर विश्व भर में खैरात मांग रहा प्रधानमंत्री। महंगी रोटी और नान पर दिन रात कैबिनेट मीटिंग करना, रोटी का जुगाड़ नहीं हो रहा, आतंकवादियों को रोटी खिलाना। पूरे विश्व में बेचारे पाकिस्तान की आजकल यही पहचान है, खुद का देश संभलता नहीं और भारत के मुकुट कश्मीर पर गिद्ध सी नजर गड़ाए हुए है। जब से मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया है, रोटी रोटी को मोहताज पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। वो कभी तुर्की के सामने रोना रो रहा है तो कभी अमेरिका से मामले में दखल देने की बात कह रहा है। यूएई, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव जैसे देश भी जब भारत के साथ आ खड़े हुए तो पाकिस्तान ने भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते तोड़ने का फैसला लिया। हालांकि इसमें भी खुद उसी का नुकसान है, लेकिन फिर भी बेचारे पाकिस्तानियों को खुश करने के लिए ये फैसला लेना पड़ा। उसके इस फैसले पर शिवसेना ने जबरदस्त तंज कसा है। पार्टी के मुखपत्र सामना के संपादकीय में शिवसेना ने पाकिस्तान का अभिनंदन किया। यह अभिनंदन पाकिस्तान के उस फैसले को लेकर है जिसमें पाकिस्तान ने भारत से व्यापारिक और कूटनीतिक संबंध तोड़ने की घोषणा की है। शिवसेना ने पाकिस्तान को नसीहत देते हुए लिखा है, पाकिस्तान के इस फैसले से पड़ोसी मुल्क ने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। सामना में प्रकाशित होने वाले संपादकीय को शिवसेना का विचार माना जाता है। 9 अगस्त के मुखपत्र सामना के संपादकीय में शिवसेना ने कहा, पाकिस्तान ज्यादा ना पकपकाए, इसमें उन्हीं का भला है। हिंदुस्तान से व्यापारिक संबंध तोड़कर उन्हें क्या मिला? पाकिस्तान में ऐसा कौन सा महान उद्योग स्थापित है जिसके कारण दोनों देशों के बीच आयात निर्यात में चार चांद लग गए हो? पाकिस्तान आज भी गवारों की तरह जी रहा है और वहां पर आतंकवादी संगठन ही असली सत्ताधीश है। हिंदुस्तान सरकार द्वारा कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर कश्मीर का विभाजन किए जाने से वो पूरा क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। इसके कारण हुर्रियत छाप नेताओं की दुकानदारी बंद हो गई है। पाकिस्तान के हिंदुस्तान से द्वेष की राजनीति पर पानी फिर गया है, अब चर्चा की आवश्यकता नहीं। अमेरिका को सख्त संदेश। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी पीएम इमरान के सामने कहा था कि वो कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता करना चाहते हैं। हालांकि उन्हें इस बयान पर मोदी सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि अमेरिका को भारत के आंतरिक मामले में दखल देने की जरूरत नहीं। भारत के सख्त रुख के बाद अब शिवसेना ने भी अमेरिका को लताड़ लगाई है। सामना के संपादकीय में कहा गया है, हिंदुस्तान की भूमि पर हमारा ही कानून चलेगा, इसके लिए पाकिस्तानियों, अमेरिका और कमजोर यूएनओ से पूछने की जरूरत नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं, कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के संबंध में उनसे कोई चर्चा नहीं की गई। सही है, इसी को देश की सार्वभौमिकता कहते हैं। इराक को निगलते समय और सद्दाम हुसैन को फांसी पर लटकाते समय क्या अमेरिका ने हिंदुस्तान से पूछा था? शिवसेना अपने तेवर के लिए ही जानी जाती है। बात 1990 की है जब कश्मीर में अलगाववादियों और आतंकवादियों के डर की वजह से अमरनाथ यात्रा रोक दी गई। हिंदुओं के लिए पवित्र मानी जाने वाली यात्रा रोकी गई तो बाल ठाकरे ने ऐलान कर दिया कि हज के लिए जाने वाली 99% फ्लाइट मुंबई एयरपोर्ट से जाती है। देखते हैं कि यहां से कोई हज यात्री कैसे मक्का मदीना जाता है। इस बयान का असर ये हुआ कि अगले ही दिन से अमरनाथ यात्रा दोबारा शुरू हो गई। बाल ठाकरे के जिस तेवर से शिवसेना चलती थी वही तेवर दिखाते हुए इस बार शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने भी कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ ही अमेरिका को भी नसीहत दी है। एक राष्ट्र के तौर पर, एक परिवार के तौर पर आपने, हमने, पूरे देश ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। एक ऐसी व्यवस्था जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हमारे भाई बहन अनेक अधिकारों से वंचित थे, जो उनके विकास में बड़ी बाधा थी, वो हम सबके प्रयासों से अब दूर हो गई है। जो सपना सरदार वल्लभ भाई पटेल का था,
बाबा साहब अंबेडकर का था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का था, अटल जी और करोड़ों देशभक्तों का था, वो सपना अब पूरा हुआ है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में एक नए युग की शुरुआत हुई है। अब देश के सभी नागरिकों के हक भी समान है और दायित्व भी समान है। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को, लद्दाख के लोगों को और प्रत्येक देशवासी को हृदयपूर्वक बहुत 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 बधाई देता हूं। साथियों, समाज जीवन में कुछ बातें समय के साथ इतनी घुलमिल जाती हैं कि कई बार उन चीजों का एक प्रकार से मन में स्थायी भाव बन जाता है, स्थायी मान लिया जाता है। ये भाव आ जाता है कि कुछ बदलेगा ही नहीं, बस ऐसे ही चलेगा। आर्टिकल 370 अनुच्छेद 370 के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हमारे भाई बहनों की, हमारे बच्चों की जो हानि हो रही थी उसकी चर्चा ही नहीं होती थी। हैरानी की बात यह है कि आप किसी से भी बात करें तो कोई ये भी नहीं बता पाता था कि अनुच्छेद 370 से जम्मू कश्मीर के लोगों के जीवन में क्या लाभ हुआ। भाई और बहनों, आर्टिकल 370 और 35A ने जम्मू कश्मीर को अलगाववाद, आतंकवाद, परिवारवाद और व्यवस्थाओं में बड़े पैमाने पर फैले भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं दिया। इन दोनों अनुच्छेद का देश के खिलाफ कुछ लोगों की भावनाएं भड़काने के लिए पाकिस्तान द्वारा एक शस्त्र के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। इसकी वजह से पिछले 3 दशक में लगभग 42,000 निर्दोष लोग, 42,000, यह आंकड़ा किसी की भी आंख में से आंसू ला देता है। 42,000 निर्दोष लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का विकास उस गति से नहीं हो पाया जिसका वो हकदार था। अब व्यवस्था की एक कमी दूर होने से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों का वर्तमान तो सुधरेगा ही, उनका भविष्य भी सुरक्षित होगा। साथियों, हमारे देश में कोई भी सरकार हो, वो संसद में कानून बनाकर देश की भलाई के लिए काम करती है। किसी भी दल की सरकार हो, किसी भी गठबंधन की सरकार हो, ये कार्य निरंतर चलता रहता है। कानून बनाते समय संसद में काफी बहस होती है, संसद के बाहर भी बहुत चर्चा होती है, चिंतन मनन होता है, उसकी आवश्यकता, उसके प्रभाव को लेकर गंभीर पक्ष रखे जाते हैं। इस प्रक्रिया से गुजरकर जो कानून बनता है वो पूरे देश के लोगों का भला करता है। लेकिन कोई कल्पना नहीं कर सकता कि संसद
इतनी बड़ी संख्या में कानून बनाए और वो कानून